वर्चुअल बॉक्स हेडलेस फ्रंट एंड हैज स्टॉप्ड वर्किंग इन एलडी प्लेयर। गाइस अगर आप लोगों को एलडी प्लेयर में कुछ इस तरह का एरर आता है तो आप लोगों ने इस एरर को किस तरह से फिक्स करना है। गाइस आप लोगों में से बहुत से लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि इस एरर को किस तरह से फिक्स करें, इस पे एक वीडियो बना दो। तो गाइस फाइनली इस टॉपिक पे एक वीडियो आ चुकी है, आप लोगों ने जस्ट इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को इजिली इस एरर को फिक्स करने के रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो पता चल सके। तो गाइस चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी गाइस आप लोग एलडी प्लेयर को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास दो एग्जी फाइल मिल जाती है, एक होती है एलडी प्लेयर की लॉन्चर फाइल और दूसरी होती है मल्टीप्लेयर। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ से एलडी प्लेयर की जो मल्टीप्लेयर वाली फाइल होगी इसको आप लोगों ने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा न्यू एंड क्लोन का। तो सिंपली आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने न्यू एलडी प्लेयर पे क्लिक करके तो एलडी प्लेयर की एक न्यू मल्टी इंस्टेंस आप लोगों ने क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास एलडी प्लेयर की एक न्यू जो है वो मल्टी इंस्टेंस बन चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो एलडी प्लेयर की प्रीवियस वाली मल्टी इंस्टेंस होगी इसको आप लोगों ने सिंपली डिलीट कर देना है। लेकिन उससे पहले एक प्रीकॉशन है कि जब भी आप लोगों ने एलडी प्लेयर की प्रीवियस वाली मल्टी इंस्टेंस को डिलीट करना है तो आप लोगों ने यहाँ से बैकअप पे क्लिक करके कोई भी अगर आपका इंपॉर्टेंट डाटा है या फिर आप लोगों ने इसमें कोई एप्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है तो आप लोग उनका डाटा जो है वो डिलीट नहीं करना चाहते तो आप लोगों ने यहाँ से एक बैकअप क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली डिलीट पे क्लिक करके इस वाली मल्टी इंस्टेंस को आप लोगों ने डिलीट कर देना है। उसके बाद अब हम लोगों ने जो न्यू मल्टी इंस्टेंस बनाई थी एलडी प्लेयर 1 के नाम से उसकी आप लोगों ने यहाँ से सेटिंग्स को ओपन करना है, और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो भी रेजोल्यूशन रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ से चले हम जो ये सबसे लो वाला रेजोल्यूशन है इसको चूज करेंगे। उसके बाद सीपीयू कोर्स आ जाती है, अगर आपके सिस्टम में चार कोर्स होंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे दो कोर्स चूज कर लेनी है, अगर आपके सीपीयू की दो कोर्स होंगी तो आप लोगों ने यहाँ पे वन कोर को चूज करना है। उसके बाद आ जाती है रैम, अगर आपकी 8 GB रैम है तो आप लोग 4 GB चूज करेंगे, अगर आपकी 4 GB है तो यहाँ से आप लोगों ने 2 GB रैम चूज कर लेनी है। उसके बाद गाइस बेसिक सेटिंग्स आ जाती है, इनको आप लोगों ने सेम एज इट इज ही रहने देना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाती है, इसमें भी आप लोग अगर डिवाइस के मॉडल को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो मैक्सिमम जिसमें FPS मिलते हैं हम यहाँ से उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क, तो नेटवर्क की सेटिंग्स को भी आप लोग ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आ जाता है गाइस शॉर्टकट, तो इसको भी सेम एज इट इज ही रहने देंगे। उसके बाद आ जाती है गेम सेटिंग्स, तो यहाँ से गेम सेटिंग्स को भी आप लोगों ने सेम ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली सेव सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोगों ने सिंपली ये जो एलडी प्लेयर 1 की मल्टी इंस्टेंस है इसके आगे आप लोगों को एक स्टार्ट का बटन दिखाई देगा, तो सिंपली आप लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एलडी प्लेयर लॉन्च हो जाएगा। इसके लॉन्च होते ही यहाँ से आप लोगों ने टास्क मैनेजर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ से गाइस आप लोगों ने डिटेल्स में आ जाना है। डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पे गाइस आप लोगों को दो फाइल्स मिल जाएंगी, एलडी प्लेयर बॉक्स हेडलेस और एलडी प्लेयर बॉक्स svc.exe। तो आप लोगों ने सिंपली इन दोनों फाइल्स पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद ये जो प्रायोरिटी होती है इसको आप लोगों ने अबव नॉर्मल या फिर हाई पे सेट कर देना है। उसके बाद आप लोग सिंपली यहाँ से ये जो दूसरी फाइल है इसकी भी प्रायोरिटी को आप लोग हाई पे सेट कर देंगे। इससे गाइस ये होगा कि ये जो दो फाइल्स हैं ये आप लोगों की तब स्टॉप वर्किंग होती है जब इनको लो सीपीयू यूजेज या लो रैम मिली होती है। क्योंकि गाइस एलडी प्लेयर में वर्चुअल बॉक्स हेडलेस फ्रंट एंड हैज स्टॉप्ड वर्किंग का एरर आप लोगों को तब भी आता है जब ये फाइल्स क्रैश करती हैं। ये फाइल्स तब क्रैश करती हैं जब इनको सीपीयू यूजेज कंप्लीट नहीं मिलता, जो बैकग्राउंड वाले प्रोसेसेस होते हैं वो इनको डिस्टर्ब करते हैं और जिसकी वजह से ये क्रैश हो जाती है। तो सिंपली आप लोगों ने इसकी जो प्रायोरिटी होगी इसको आप लोगों ने हाई पे सेट कर देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से टास्क मैनेजर को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो एलडी प्लेयर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद जैसे भी आप लोग एलडी प्लेयर को यूज करना चाहें आप लोग सिंपली यूज कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली आप लोग इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस एरर को सिंपली इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस एलडी प्लेयर को रन करने के लिए सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोगों ने उनको भी एक बार चेकआउट कर लेना है। क्योंकि अगर आपका सिस्टम एलडी प्लेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करता तो फिर भी एलडी प्लेयर में आप लोगों को ये एरर आ सकता है, एलडी प्लेयर फिर भी आप लोगों के सिस्टम में रन नहीं करेगा। तो यहां तक गाइस अगर आप लोगों का एलडी प्लेयर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर YouTube चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।